तो दोस्तों अगर व्हाट्सएप में हमें रीड मोर वाला मैसेज मिल जाता है, पहले बहुत ज़्यादा इसमें इशू होता था। यहाँ पर हमें नॉर्मली इसे देखने के लिए कभी कभी कॉपी करके एडिट बॉक्स में ही पेस्ट करना पड़ जाता था, केवल टाइम शो करता था वहाँ पर, तो इस वजह से कभी कभी तो बिल्कुल अच्छी तरह से रीड कर देता था। रीड मोर पे क्लिक करते ही आराम से वो रीड करता था टच करने के बाद। सी एस आर में तो हम लॉन्ग प्रेस करके इजिली रीड कर सकते हैं, ये तो इसका ऑप्शन अवेलेबल है। बट अभी कुछ इम्प्रूवमेंट्स किए गए हैं व्हाट्सएप की ओर से यहाँ पर अपने कुछ न्यू अपडेट्स में, और ये इस वक्त कोई बीटा वर्जन में नहीं है। जो स्टेबल वर्जन के अपडेट्स हैं उनमें भी ये आपको इम्प्रूवमेंट देखने के लिए मिल जाएगा। अगर आप स्टेबल वर्जन में, अगर आप अपने व्हाट्सएप को अभी तक आपने अपडेट नहीं किया हुआ है तो फिर मे बी आपको अभी भी इशू आ रहा होगा। बट अगर आपका व्हाट्सएप अपडेटेड है तो फिर आपने भी ये नोटिस किया होगा कि आपको रीड मोर वाले मैसेज के पास में ऐसा कोई भी प्रॉब्लम या इशू देखने के लिए नहीं मिल रहा होगा। तो ये बिल्कुल अच्छी तरह से यहाँ पर फिक्स किया जा चुका है। वैसे तो व्हाट्सएप के द्वारा इसे काफ़ी हद तक इम्प्रूव किया गया है, मीन्स कि यहाँ पर एक बार भी, यहाँ पर मैंने आपको इस वीडियो में कुछ आर्टिकल्स को भी रीड करके शो किया हुआ है, एंड इसके अलावा भी मैंने यहाँ पर कई सारे आर्टिकल्स के साथ में मैंने यहाँ पर स्वाइप करते हुए देखा हुआ है, बट यहाँ पर सारे आर्टिकल्स को ईजिली रीड करता है विदाउट एनी इशू। तो अभी हम एक बार प्रैक्टिकली भी करके देख लेते हैं, एंड देन अगर आपके पास व्हाट्सएप अभी भी अपडेटेड नहीं है, अगर आप स्टेबल वर्जन का यूज़ करते हैं देन व्हाट्सएप को अभी अपडेट करें, देन आपके पास भी ये प्रॉब्लम जो है ये इम्प्रूव हो जाएगा, ये सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, वीडियो काफ़ी यूजफुल होने वाला, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में। चैनल पर अगर पहले बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर कॉल को सेलेक्ट कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए देखते हैं एक बार से प्रैक्टिकली, एंड ध्यान रहे व्हाट्सएप को अपडेट जरूर कर लें क्योंकि स्टेबल वर्जन में भी अवेलेबल है। बीटा वर्जन में तो कई दिनों से, स्टेबल वर्जन में भी ये इस वक्त रोल आउट हो किया जा चुका है। तो यहाँ पर मैं सिंपली ओपन कर लेता हूँ अपने व्हाट्सएप को, और मैंने पहले से कुछ रीड मोर वाले मैसेज को रखा हुआ है अपने चैट पे। यहाँ पर ये हम आ चुके हैं अपने एक चैट में जहाँ पर रीड मोर वाले मैसेज भी हैं कुछ, देख लेते हैं। सबसे पहला रीड मोर है, सिंपली यहाँ पर मैं रीड मोर पे जैसे क्लिक करूँगा यहाँ पर इस मैसेज को देखते हैं ये क्या रीड करता है, फिर टाइम बताता है। वैसे पहले यहाँ पे क्या होता था, सीधा तो लॉन्ग प्रेस करने पे रीड कर देता था, बट टॉकबैक में हमें कॉपी करके दिन पेस्ट करके दिन उतना रीड करना पड़ता था, ये तो बहुत लंबा प्रोसेस था। वैसे क्लिक करेंगे रीड मोर पे, टेलीकॉम इंडस्ट्री में जिन्होंने लॉन्च किया पहला कैलेंडर मंथ वैलिडिटी, ऑटोमेटिकली इसका जो फोकस है वो हमारे फुल मैसेज पे चला गया, ऑटोमेटिकली रीड मोड पे क्लिक करते हैं रीड करना स्टार्ट किया। इसने टाइम वगैरह कुछ नहीं बताया, डायरेक्टली इसने रीड करना स्टार्ट कर दिया। देखते हैं मेरे पास और एक यहाँ पर रीड मोड वाला मैसेज है, इसके बाद भी रीड मोड है। ओके ये रहा यहाँ पर रीड मोड, क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली इसने यहाँ पर जो अपना फोकस है वो ले लिया उस मैसेज पर, एंड इसने रीड करना भी स्टार्ट कर दिया उस मैसेज को। अभी यहाँ पे मैं एक बार स्वाइप करते हुए चेंज करके देखता हूँ दोनों मैसेजेस में क्या मैं चेंज कर पाया हूँ। स्क्रॉल करने के बाद हम यहाँ पे इजीली कर सकते हैं, केवल थोड़ा सा हमें स्क्रॉल करने देना, डायरेक्टली हम टच करके चेंज कर सकते हैं, एंड दोनों ही मैसेज में हम इजीली स्विच कर पा रहे हैं, एंड दोनों मैसेज इस वक्त रीड भी हो रहा है पूरी तरह से, रीड मोड का बटन कहीं पर नहीं है यहाँ, एंड किसी भी प्रकार का यहाँ पर टाइमिंग भी शो नहीं कर रहा कितना भी हम यहाँ पर ज़्यादा स्क्रॉल कर लें। अभी हम देख लेते हैं एक बार सी एस आर के साथ में भी। तो यहाँ पर मेरे पास सी एस आर ऑन है, एंड देन यहाँ पर मेरे पास रीड मोर वापस आ चुका है मैसेज, मैंने चैट को बैक करके ओपन कर लिया है। ओके यहाँ पर ये रहा रीड मोर, देन मैं इस वक्त सी एस आर का ही यूज़ कर रहा हूँ। रीड मोर पे क्लिक करेंगे, एंड उससे पहले यहाँ पर मैसेज है, सेम मैसेज ही है यहाँ पर, रीड मोर पे क्लिक करेंगे। इसने भी यहाँ पर सिंपली रीड करना स्टार्ट कर दिया इस मैसेज को। अगर रीड नहीं करता है केवल आपको अपने स्क्रीन के सेंटर में टच करना है, यहाँ पर हमारा चैट लिस्ट होता है जनरली, वहाँ पर जैसे ही आप टच करेंगे आपका जो मैसेज है वो रीड होना ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। देखेंगे अगला रीड मोर जो है उस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर ये भी इजिली रीड करने से स्टार्ट किया। अगर हम स्विच करते हैं यहाँ पर दूसरे आर्टिकल पे, ये मैं इस आर्टिकल पे आ गया, लेफ्ट स्वाइप करेंगे मैं पिछले आर्टिकल पे आ गया, अगेन राइट स्वाइप करेंगे, ये बहुत इजीली यहाँ पर हम सीएसआर में भी बहुत ही आसानी से, यहाँ पर मीन्स टाइमिंग भी शो नहीं हो रहा कुछ, एंड जैसे पहले होता था वैसा कुछ भी नहीं हो रहा। इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव किया जा चुका है इसमें व्हाट्सएप के द्वारा। यहाँ पर रीड मोर मीन्स इजिली हम पढ़ सकते हैं मैसेज को बिना किसी भी एक्स्ट्रा कुछ किए हुए, जैसे कॉपी करके पेस्ट करना इस टाइप से बिना कुछ किए हुए। तो ये कुछ छोटा सा अपडेट था, छोटा नहीं बट काफ़ी यूज़फुल अपडेट था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करना बोले से अपने फ्रेंड्स के साथ में ताकि और वो लोग भी जान सकें इस यूज़फुल से अपडेट और इम्प्रूवमेंट के बारे में। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करते हुए तो जरूर जाइएगा, साथ ही चैनल पर अगर पहले बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को सेलेक्ट कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में।
टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप चैनल के अबाउट सेक्शन में अवेलेबल है, आप चेकआउट कर सकते हैं चैनल के अबाउट सेक्शन को।